भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं ये आठ संकेत जीवन मृत्यु सुख दुख नुकसान फायदा खुशी और गम ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं ये सब समय के चक्कर के कारण होता है समय से बलवान और कुछ भी नहीं है समय के आगे सब झुक जाते हैं आपने अपनी जिंदगी में कई सारे व्यक्तियों को आर्स से फर्श पर और रंग से राजा बनते भी देखा होगा समय वो हथियार है जिसका घाव तेज होता है कोई उसे भर नहीं सकता पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे इस समय चक्र का दौर कैसा होने वाला है समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के ऐसे कई सारे प्रश्न आपके मन में भी उत्पन्न होते होंगे इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुंचते हैं तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था तो श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वे स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे वे अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं वो संकेत प्रकृति द्वारा पशुओं द्वारा या शुभ संकेतों द्वारा या मेरे भक्तों द्वारा भी हो सकते हैं सिर्फ मनुष्यों को उन्हें जानने की आवश्यकता पड़ती है तो आइए आपको बताते हैं उन संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान विष्णु ने बताए हैं पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो को देख सकें वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन संकेतों के बारे में पहला संकेत अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त में खुले और आपको ईश्वर का समान हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है तो समझ जाइए आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं आपको अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे अगर आपकी भी आंख ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दूसरा संकेत आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कान ही परसन रहता है आपका चेहरा खिला हुआ मुस्कान से भरा हुआ रहता है आप क्रोध से परे हो जाते हैं यह संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियों की दस्तक होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं इसलिए मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है आप हमें जरूर बताएं। तीसरा संकेत अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने के लिए आ जाए बंदर आपके घर से चीजें खुद उठाकर ले जाए बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में अपना डेरा बनाए और चहकते रहें ऐसे कुछ शुभ संकेत दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदों पर पहुंचने वाले हैं चौथा संकेत छोटे बच्चों में ईश्वर खुद बसते हैं ऐसा हम सब लोग भी मानते हैं अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो, या वे आपके आंगन में खुशी से खेलें, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपका जीवन भी मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके जीवन से जुड़ने वाले हैं ऐसे संकेत आपको ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं पांचवा संकेत बहुत समय से चल रहे खर्चे अगर टलने लग जाएं और धन के नए मार्ग खुलने लग जाएं तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर टिकेगा और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा आपका घर खुशियों से भर जाएगा छठा संकेत पूजा की थाली से फूलमाला या चंदन का गिरना, ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्करा रही हो ऐसा प्रतीत होना घर में मनपसंद अतिथियों का आगमन घर में चांदी और सोने का आना महिलाओं का बाया और पुरुषों का दाहिना अंग का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है ये सारे संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं सातवां संकेत सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाएं या आपको किसी संत साधु महाराज पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है इसका अर्थ ये है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वो कार्य अवश्य ही सफल होगा उस कार्य में आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा आठवां संकेत संध्या काल के समय जल से भरा पात्र दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा आपको प्राप्त होना या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए तो यह संकेत भी आपके जीवन में शुभ समय के आगमन को सूचित करते हैं तो दोस्तों ये थे वो आठ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने का संकेत देते हैं अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत मिलते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना अपना ध्यान रखना आपका दिन शुभ और मंगलमय हो